हेलो ठीक है, चलो यहाँ आते हैं हम। और एक मिनट, अटेंडेंस कैंसिल, ये भी कैंसिल। हाँ सही है बेटा, हमने लास्ट टाइम देखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और बाय क्लास नेम, ये दो हमने देखा था। और ऊपर हमने देखा था डॉक्यूमेंट के हर एलिमेंट को कैसे टारगेट किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो बाय टैग नेम है, ये बिल्कुल ऐसे वर्किंग करता है जैसे क्लास नेम। इसका मतलब अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम करूंगा तो क्या होगा, टैग को डायरेक्ट कॉल कर लेगा, पक्की बात है। क्या होगा, ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम को अगर मैं टारगेट करता हूं, दैट्स द पॉइंट। अगर ये क्लास की तरह, क्योंकि मैंने पहले बता दिया क्लास की तरह, अगर ये क्लास की तरह है तो ये किसी एलिमेंट को डायरेक्ट कॉल ही कर, मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय टैग नेम पी। अब पी क्या एक ही होगा एचटीएमएल के अंदर, कई सारे पैराग्राफ यूज हो सकते हैं। तो ये किसको टारगेट करेगा, ये कोई एक नहीं देगा, ये सबको क्या बना के दे देगा, एरे के एलिमेंट्स बना के एक एरे रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एरे। और आपको पता है एरे के अंदर क्या लग सकता है, क्या लग सकता है, मैप मेथड लग सकता है, मुख्तलिफ मेथड्स लग सकते हैं, हमने काफी सारी चीजें देखी हुई हैं। तो यहां आता हूं, जरा हम इस चीज को चेक करते हैं। लूप में चलाया था उस टाइम मैंने, है ना, लूप में चलाया था। ऐसे ही मैं ये भी तो कर सकता था, लूप में जैसे चलाया था मैं कलर के लिए भी चला सकता था, हर एक एलिमेंट के लिए। तो यहां आ जाता हूं और मैं शायान, आपने कितनी क्लासेस मिस की है बच्चा? हाँ H1 है, आईडी छोड़ देता हूँ भाई, ये रहा आईडी के हिसाब से कलर किया था ना डॉक्यूमेंट डॉट आईडी में, इसको हटा देता हूँ। बाय टैग नेम, और टैग का नाम क्या है, H1, देखो खुद दे रहा है H1। और यहां पर भी यही कर देता हूँ, इसी चीज को कॉपी करता हूँ, अरे सॉरी, यहां से क्या हो गया भाई इनको, H1 सेव करते हैं जरा इसको और गो लाइव करते हैं और चेक करते हैं भाई रिजल्ट में क्या चीज आती है। कलर क्या करना है, लग गया। आप किस हिसाब से कॉल किया है इसको, टैग नेम। और यही चीज अगर हमने यहां चेक करनी हो, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, मैं कर दू कंसोल डॉट लॉग। और यहां पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और टैग नेम में यहां लिख देता हूं H1 और इसको सेव कर देता हूं। देन इट विल बी रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा दी हमको, कंसोल पर चेक करेंगे, 9 कलेक्शंस ऑफ ये HD1 डॉट HD1 क्या दिया है, क्लास, क्लास क्या है डॉट HD1। इसके हिसाब से और एलिमेंट के अंदर छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में दे रहा होता है, फिलाना है फिलाना है फिलाना है, ठीक है ये। अच्छा क्लास, क्लास की लेंथ भी दी है भाई, क्लास एट्रीब्यूट क्या लगा हुआ है, सिर्फ एक एट्रीब्यूट है क्लास नाम का, और उसके अंदर कितनी लेंथ है क्लास की, एक ही लेंथ दी हुई है, ठीक है भाई। तो जैसे हमने क्या चूज किया था सिलेक्शन में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम किया था, उसी तरीके से आज हमने देखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल पर आते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, कहाँ गया, गेट एलिमेंट बाय, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट है ही नहीं, क्यूरी सिलेक्टर है डायरेक्ट, ठीक है ये। और यहाँ आ जाता हूँ मैं, कर देता हूँ सॉरी, ये था H1 डॉट H2 था, याद नहीं आ रहा मुझे, डॉट
HD1 एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ, वरना हम वहाँ जाके देख लेंगे इसका सिंटैक्स कंसोल डॉट लॉग, और ये करने के बाद मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। एक दफ़ा हम इसको ऐसे चेक कर लेते हैं, देन आते हैं यहाँ पर इस चीज़ को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है भाई, HD1 नाम की चीज़ें मुझे रिटर्न कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ HD1 और सेक्टर डॉट, हाँ नोड लिस्ट। ठीक है भाई, ये दे दिया इसने, और यहाँ कर देता हूँ 1 और इसको कर देता हूँ दिस हेडिंग 1 हेडिंग 1। ठीक हो गया। अच्छा भाई, यहाँ आ जाते हैं, ज़रा सा हम समझ लेते हैं और एक और काम करता हूँ। ठीक है भाई, अब इसको समझते हैं ज़रा। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्यूरी, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर है, ये क्या कहता है आपको कि ये कहता है भाई आपने क्या क्या चीज़ें कॉल करनी है, आईडी, टैग नेम और बाय क्लास नेम। यही तीन तरीके आप इसी से सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एलिमेंट को। तो क्यूरी सिलेक्टर क्या कहता है, क्यूरी सिलेक्टर कहता है भाई क्यों इतनी मेहनत करते हो, लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ये। तो बोलता है इतनी पंचायत में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, आप सिंपल एक काम करो, क्यूरी सिलेक्टर, और अगर आपने क्लास नेम देना है तो डॉट लगा दो उस वर्ड के आगे, अगर आईडी देनी है तो हैशटैग लगा दो जैसे सीएसएस में होता है, और अगर कोई टैग ही चाहिए तो डायरेक्ट H1 ऐसे टैग लिख दो H1 और सेव कर दो। देखो H1 टैग आ गया। अच्छा, अब ये है क्यूरी सिलेक्टर। क्या है क्यूरी सिलेक्टर, क्या करता है, पहला एलिमेंट सिर्फ चूज करता है, इसीलिए मैंने पहले वाले के आगे 1 लिखा था, या यहां लिख देता हूं 1। चलो ये जस्ट क्या करता है, मुझे पहला एलिमेंट निकाल के देता है, और इसके मुकाबले अगर यहां आ जाऊं, क्या नाम है ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल पर आ जाऊं, तो ये क्या करता है पूरी नोड लिस्ट दे देता है, जितने एलिमेंट से सब बता देगा, कितने हमारे पास ये रहे 0 से लेके 0 1 2 3 8 तक काउंटिंग है, और एलिमेंट कितने हैं 9 है। बात समझ आ गई, ये काम वही है सिलेक्शन का। आप सिलेक्शन के बाद आगे आपने जो चीज़ अप्लाई करनी है, इनर HTML अप्लाई करना है, फिलाना करना है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये तरीका तो बिल्कुल सिंपल है। तो सिलेक्शन के हमने कितने तरीके देखे हैं, किसी भी टैग या एलिमेंट को टारगेट करने के 5 तरीके। सबसे पहला तरीका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दूसरा तरीका बाय क्लास नेम, तीसरा चौथा क्यूरी सिलेक्टर, और पांचवा हाँ क्यूरी सिलेक्टर ऑल। अब चलते हैं आगे, टारगेट तो हमने करना देख लिया, अब वी कैन गेट एंड सेट डोम यूजिंग दिस। अब जब एक डोम पर हम काम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, एक डोम पर जब भी काम करते हैं तो हम दो ही काम कर रहे होते हैं, या तो डॉम में कुछ चीजों को गेट किया जाता है या कुछ चीजों को सेट किया जाता है। क्या किया जाता है, गेट या सेट। अब गेट या सेट से मतलब क्या, गेट का मतलब किसी चीज को हासिल करना, आपने ले लेना भाई इस टेक्स्ट में क्या लिखा है वो मुझे चाहिए, वो गेट करना है। और सेट का मतलब भाई इस चीज की वैल्यू ये कर दो, तो दो ही एलिमेंट होते हैं, दो ही काम होंगे, वैल्यू क्या करना है गेट कर देना, या तो वैल्यू सेट कर देना है। गेट क्या क्या चीजें होती हैं गेट के लिए, अच्छा ये गेट या सेट क्या क्या चीजों को गेट या सेट करते हैं, तो ये रहे HTML को कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट को गेट या सेट कर सकते हैं, और क्या गेट या सेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट भी। अभी तक हमने इनर HTML सेट करके देखा है, इनर टेक्स्ट सेट करके देखा है। अच्छा, इनर HTML और इनर टेक्स्ट के अंदर क्या डिफरेंस था, हाँ, और टैग और इनर HTML में, हाँ यानी कि अगर जो डबल कोटेशन है उसके अंदर मैं लिख दूँ ना इनर, जैसे बिलफर्ज मैं यहाँ पर आता हूँ और लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट
एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ कर देता हूँ हाय डॉट इनर टेक्स्ट करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ एच वन कर रहा हूँ इसी को न्यू ठीक है ये मैंने कर दिया सेव। यहाँ आता हूँ तो क्या आ रहा है एच वन पूरा टैग भी यहाँ प्रिंट हो गया, टैग भी क्या हो गया प्रिंट हो गया, ये रहा ये टैग भी प्रिंट होकर आ गया। और ये ऊपर वालों को तो पहले फ्री करूँ, ये टैग पूरा प्रिंट होकर आ गया। लेकिन अगर मैं इसको कर देता इनर तो ये क्या हो गया। अच्छा ये एलिमेंट क्या है, गेट है या सेट है, सेट कर रहा हूं मैं, अगर गेट करता तो सिर्फ ये लिखता, ये गेट हो रहा है एलिमेंट, सिर्फ कोई चीज गेट हो रही है, समझ आ रही है बात। और अगर सेट करना हो तो फिर उसका अलग तरीका होगा। ठीक है अभी हम देख लेते हैं, सेट के लिए वही है जो अभी मैंने रिक्वेस्ट टू लगाया था। अच्छा आगे चलते हैं, और एट्रीब्यूट भी सेट किया जा सकता है, मतलब कोई सोर्स इमेज का, इमेज के सोर्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है अब वो कैसे होंगे उनको हम देख लेते हैं। पहले मेथड्स हैं गेट के, गेट में क्या क्या गेट कर सकता हूं, इनर टैक्स आता है, इनर एचटीएमएल आता है। अच्छा इसमें एक या दो जो है ना चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई है, मिक्सअप हुई हुई है, मेरा ख्याल है एट्रीब्यूट या गेट एट्रीब्यूट दोनों में से कोई एक लफ्ज है, दोनों नहीं है शायद, या गेट एट्रीब्यूट नोट एक कोई एक्स्ट्रा लिख दिया था मैंने। ये तीन तो समझ आ गए क्या है कि हम क्या क्या एक HTML से गेट या सेट क्या कर सकते हैं, उसका टैक्स ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं, उसकी इनर HTML गेट कर सकते हैं सेट कर सकते हैं। और अच्छा इनर HTML किस टैक्स की लेंगे, किस टैग की लिया करेंगे, जैसे एक पैराग्राफ है उसके अंदर कुछ लिखा है उसकी इनर HTML लेने की जरूरत नहीं है, डिव के अंदर की इनर HTML लेंगे, डिव के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं तो उसकी इनर HTML हम गेट कर सकते हैं या सेट करना चाहते हैं। ठीक है उसके लिए होता है। एट्रीब्यूट तो अभी हमने देख लिया, एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं भाई, किसी टेबल का एट्रीब्यूट सेट हो सकता है, हम यूजर के थ्रू दे दें, आप अपनी मर्जी से बॉर्डर सेट करें, यूजर बॉर्डर लिखता जाए उसका बॉर्डर टेबल का सेट होता जाए, जीरो बॉर्डर करे गायब हो जाए, लिखना शुरू करे बढ़ जाए, ऑन द लाइव ऑन द स्पॉट ये काम हम क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं। इनर HTML गेट एट्रीब्यूट गेट नोट, अब यहाँ आ जाते हैं इनर टैक्स इनर गेट एट्रीब्यूट कर लेते हैं भाई डॉक्यूमेंट। अब इसको गेट करने के लिए मैं कहीं से भी कुछ भी ऐसे कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इसको प्रिंट कराता हूँ और मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आईडी में क्या कर देता हूँ वो सॉरी आईडी में लिख देता हूँ हाय डॉट क्या चीज है हमारे पास गेट एट्रीब्यूट है आई थिंक गेट एट्रीब्यूट। ठीक है भाई सेव करता हूँ इसको, यहाँ आता हूँ डॉम पे जाता हूँ इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। अच्छा ये नेटिव है तो मेरा ख्याल है इसके आगे ये लगता है शायद, याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट, गेट एट्रीब्यूट अनकैच टाइप एरर फेल टू एग्जीक्यूट गेट एट्रीब्यूट ऑन एलिमेंट वन आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड बट ओनली जीरो प्रेजेंट्स। गेट एट्रीब्यूट में आता हूँ नेटिव कोड एक मिनट, यहाँ एक और कुछ लिख देता हूँ क्लास कुछ भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट गेट एट्रीब्यूट एक मिनट हम W3 स्कूल पर जाके देख लेते हैं किस तरीके से था। गेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट वैल्यू जावास्क्रिप्ट यहाँ देखते हैं डॉम गेट एलिमेंट एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट एंकर डॉट गेट एट्रीब्यूट यहाँ देख लेता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी एट्रीब्यूट। अच्छा सही 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 ये आ गया और यहाँ लिख देता हूँ क्लास, तो अब ये क्लास की वैल्यूज दे देगा। ठीक है और अगर लिख देता हूँ यहाँ पर आई डी तो ये क्या कर देगा आईडी की वैल्यू मुझे
दे देगा। ये बात अब समझ आ गई, ठीक है। थोड़ा सा एरर था वो हमने देख लिया कि भाई जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए आपको, आप उस एट्रीब्यूट को गेट करने के लिए गेट एट्रीब्यूट लिखकर आगे क्या करोगे, उस एट्रीब्यूट का नाम दे दोगे। जैसे कि अगर मैं यहां आ जाऊं और आई एम जी इमेज लगा दूं और इमेज के अंदर आ जाऊं, ये फलाना सोर्स है और मुझे ये गेट करना है कि इस इमेज का सोर्स क्या है, ठीक है, इस इमेज का सोर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ और बना सकता हूँ इसको, तो सॉरी पहले तो इसको गेट करना पड़ेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो कर देता हूँ एम आई आई एम आई एम जी कर देता हूँ आई एम जी, और इसका एट्रीब्यूट क्या चाहिए, एस आर सी, इसका सोर्स चाहिए मुझे। सेव कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ तो मुझे ये वाला सोर्स मिल गया। बात समझ आई, क्लियर हुई। तो कोई भी इमेज या किसी भी उसकी मैं अगर सोर्स गेट करना चाहता हूँ और प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको गेट कर सकता हूँ। अच्छा, हम ये देखते हैं अभी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेव करता हूँ, यहाँ पर भी आ गया। अब मुझे को ये बताएं, एक बिलफर्ज इमेज है, सिंपल था, और लगा लेता हूँ व्हाट हैपेंड गूगल भाई, इमेजेस, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ लाके पेस्ट कर। ओ भाई अल्लाह अकबर, क्या तो हर बार अलग लेकर आए, तू भी हर दफा, ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया होगा जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। अरे ये इमेज का एड्रेस बहुत लंबा दे दिया इसने, कभी 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 किसी का बहुत ज़्यादा ही, कल तो उठाया था बिल्कुल छोटा सा इमेज एड्रेस था, किस ये, हाँ ये बहुत छोटा सा है ना, पिक्सल पे चलते हैं हम यार, ये अच्छा नहीं होता, गूगल पिक्सल पे जाया करो। ये इसकी बातें सुन रहा है, मेरा ख्याल है किसकी, दानिश की बातें सुन रहा है, इस वजह से जो है ना ये, हाँ दानिश का आज जहन पढ़ रहा है ये। और ये आ गई इमेज यहाँ पर, ठीक है भाई। अभी मुझे एक बात बताओ, मैं एक क्लिक पर इस इमेज का, यहाँ आता हूँ स्टाइल के अंदर ही लिख देता हूँ आई एम जी बाजी, इधर आते हैं और उसको कर देता हूँ विड्थ 100 पिक्सल, सेव कर देता हूँ और इसको उठा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्लिक मी टू गेट लिंक ऑफ इमेज, क्लिक टू गेट इमेज URL, इस पर क्लिक करो इमेज का URL लेने के लिए। तो कोई ऐसा कर सकता है कि यहाँ क्लिक करो इमेज का ओरिजिनल URL आ जाए, हाँ भाई ऐसा प्रोग्राम बन सकता है, सोचो जरा। मैं चाह रहा हूं यहां पर क्लिक करूं तो यहां ऊपर URL आ जाए, क्लिकेबल URL इस इमेज का, क्लिक करूं तो इस इमेज का जो ओरिजिनल URL है ना ये वाला, मैं यहां पहुंच जाऊं, यहां क्लिक करने के बाद ये मुझे यहां ले जाए इस इमेज के ऊपर, यहां ओरिजिनल इमेज के URL पे। ये कौन है, दानिश? चलो हाँ भाई, क्या जहन में आ रहा है? हाँ एंकर टैग यूज होगा, और हाँ कैसे, पहले नॉर्मल इसको गेट करते हैं, पहले गेट करना तो आता है ना, गेट करते हैं, चलो चलो भाई, चलो भाई शुरू हो जाए। गेट ऐसे करते हैं कि मैं बोलता हूं भाई एक फंक है, फंक्शन ये क्या है, क्लिक मी, ये फंक्शन बोलता है भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी भाई,
आईएमजी वाली जो आईडी है, आईएमजी वाली, इसकी डॉट गेट एट्रीब्यूट करो। इसका कौन सा एट्रीब्यूट गेट करो बताओ तो सही, एसआरसी सोर्स को गेट कर दो एसआरसी। अब यहां पर क्या आएगा एसआरसी, यहां पर सिर्फ वो लिंक आएगा। इस लिंक को मैं लेकर आता हूं एक न्यू वेरिएबल में, माय यूआरएल। अब मैं बोलता हूं भाई बिल फॉर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां दे देता हूं हाय डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है माय यूआरएल के। अब जरा ये चेक करते हैं, फंक्शन को बटन दिया ही नहीं है, बटन को नाम दिया ही नहीं है और चलाने लगे हैं बटन फंक्शन। यूआरएल आ गया, इस यूआरएल को क्लिकेबल भी बनाया जा सकता है। कैसे? एक एंकर टैग बना के उस पर लिख दो भाई यहां यूआरएल आ जाएगा, या फिर ये यूआरएल आप इनपुट के अंदर भी ला सकते हो या एंकर टैग के अंदर भी ला सकते हो। तो वो तो आपको पता है मुख्तलिफ चीजें हैं दोनों में से। अब यहां आते हैं, अगला काम शुरू होगा हमारा यहां से। अभी तक तो हमने क्या किया, यूआरएल गेट किया है, एट्रीब्यूट क्या किया है गेट किया है। इसके बाद आता है सेट एट्रीब्यूट, क्या आता है सेट एट्रीब्यूट। जरा सेट एट्रीब्यूट देख लेते हैं, सेट एट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट, इतना कौन लिखेगा भैया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सोर्स, यहां आओ शिम और इधर कर दो डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट दो वैल्यू लेता है, पहले उस सोर्स का, उस एट्रीब्यूट का नाम और उसके बाद उसकी वैल्यू। आई थिंक सो, याद नहीं है, रट्टा नहीं मारा हुआ, जाके देख लेंगे। वैसे एसआरसी और कॉमा, अगली वैल्यू पास करनी है, ये वैल्यू लिख देता बड़म बड़म। ठीक है भाई, सेव किया, इमेज पे जाके देखते हैं, इमेज गायब, क्या हुआ ये। अब आते हैं फंक्शन सी एल के, इसका इमेज यही हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक काम करते हैं, पिक्सेल भैया के पास जाते हैं, भैया तुम कहां हो, इसका कॉपी करते हैं एड्रेस। बेटा सही सही सोचना शुरू करो ताकि इमेजेस सही से आए। सर मेरे सोचने से इसका क्या मसला है? बहुत मसला है, तुम्हारे दिमाग को पढ़ा है, कमाल हो गया, गेट हो गया। एक क्लिक पे इमेज क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहां से एक तरफ से एट्रीब्यूट गेट किया, दूसरी तरफ से एट्रीब्यूट सेट किया, और मुख्तलिफ एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। यूजर को बोलो फुली कमांड, अपनी मर्जी से इमेज का साइज सेट कर, अपनी मर्जी से इमेज की विड्थ सेट कर। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? सिंपल टास्क बनाते हैं एक छोटा सा। ये मैं छोटे छोटे टास्क इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। यहां आते हैं और ये भी उड़ाते हैं, ये भी उड़ाते हैं, नीचे कुछ आई इनपुट नहीं भाई, इनपुट मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। एक विड्थ सेट करने के लिए देते हैं, एक हाइट सेट करने के लिए देते हैं, और एक इमेज का बॉर्डर सेट करने के लिए देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3, एंटर। चलो भाई शुरू हो जाओ। ठीक है भाई, यहां दे देते हैं टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, चूड़ी वाला एक होल्डर होता है, एक पिन वाला, ये प्लेस होल्डर है। ठीक है, अब यहां पर नाम देना है हम लोगों ने, इस इनपुट को क्या नाम दूं, इसको नाम दे देता हूं मैं, ये है विड्थ, ये है हाइट, और ये है बोलो ना बॉर्डर। ठीक है भाई, फंक्शंस बनाने हैं यहां, फंक्शन और डब्ल्यू डी टी एच, विड्थ का फंक्शन है ये, ये बॉर्डर का है, एच जी एच टी का है, हाइट का है। सही है भाई, ये आ गए। अब ये फंक्शन रखने किस पे, ऑन
प्रेस या ऑन की आप पे। अरे भैया एक वहां पर भी वो होता है ना, ऑन की प्रेस है या ऑन की क्या, ऑन की डाउन होता है शायद, ऑन की डाउन, डाउन या प्रेस किसी पर भी। अब इन पे फंक्शन चलाने बारी बारी, सबका ब्रैकेट की जगह तो बचाएं, ठीक है। यहां लिखते हैं डब्ल्यू डी टी एच, यहां लिखते हैं डब्ल्यू एच, डब्ल्यू नहीं एच जी टी बी आर डी आर, बी आर डी आर बार्डर। गुड हो गया। अब इनकी थोड़ी सी, अब इसके थ्रू हमने सेट करनी है इमेज की, इमेज के लिए बॉर्डर भी दो, बॉर्डर बराबर है दुई के, ऐसे ही होता है। तू चुप हो रहा है, नहीं वरना घसीट घसीट के मारूंगा, इधर उठा उठा के मारूंगा। इसको कर देते हैं एक, इमेज को सेंटर करना है तो आईएमजी को बोलो, आईएमजी को बोलो, किसको बोलो, आईएमजी को बोलो के वो मार्जन द ऑटो द हाइट द विड्थ द, नहीं मार्जिन या विड्थ या हाइट सेट करते हैं। अच्छा यहां लगाना पड़ेगा बी आर, ये मार्जिन ऑटो क्यों नहीं, अच्छा हाँ डिस्प्ले नहीं किया ना, डिस्प्ले ब्लॉक चल गई। अच्छा वैसे मार्जिन ऑटो चल भाई, ये भी हो गया। अरे इतनी मेहनत की थी, नहीं इतनी मेहनत ये क्यों नहीं किया, जब सबको ही करना था तो वो कभी कभी जो है ना सबको ही सेंटर करना था, ये क्यों नहीं किया। गुड हो गया, 100 पे रखते हैं। अब यहां एक बंदा आएगा, विड्थ लिखेगा हाइट लिखेगा, सेट हो जाएगी। इमेज क्या है, और हाइट और विड्थ भी लिख देता हूं, विड्थ 100 हाइट 100, और इसको हटा दो भैया, बहुत जुल्म हो रहा है इसके साथ। अब आओ इधर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है आईडी, और ये आईडी जो है वो है आईडी, अभी देते ना इनपुट वन, और यहां आते हैं आईडी बराबर है इनपुट वन टू थ्री, वन पे विड्थ और डॉट वैल्यू, ऐसा ही है। इसकी वैल्यू को गेट करते हैं और इसको बराबर कर देते हैं किसके, समथिंग के, समथिंग क्या होगा, इसको बराबर कर देते हैं डब्ल्यू के, डब्ल्यू हो गया इसको बराबर, और इसको भी गेट करते हैं। ओहो दो दो बार पेस्ट करना पड़ गया, मेहनत तो गई बहुत। एच और उसको कर देते हैं बी, और उसको कर देते हैं थ्री, इसको कर देते हैं टू, गेट हो गया थ्री टू वन। अब यहां आ जाते हैं, अब अगला काम बहुत ही सिंपल है, बोलो डॉक्यूमेंट, वो बोलेगा जी डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी है आईएमजी, इमेज को गेट कर लिया। अब डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सेट करो, यहां पे वो पूछेगा कौन सा एट्रीब्यूट, अलग अलग नाम देने, फिर कॉमा, अब यहां पर वैल्यू सेट करनी, इधर किसकी करनी है डब्ल्यू आई डी टी एच विड्थ की, इधर किसकी करनी है एच ई आई जी एस टी हाइट की, और यहां क्या करनी है बी ओ आर डी आर बॉर्डर, और क्या करना है यहां पर नाम देना ना डब्ल्यू एच बी। लेट्स स्टार्ट द गेम और चेक करते हैं अब यहां क्या है, 100 अच्छा ये किसमें आ रही है, ओए होए ये अच्छा उल्टा चल रहा है क्या, कितनी है 300 अच्छा विड्थ है खाली, हाइट नहीं दी हुई, और ये भी कर दो 300 सही है, और बॉर्डर दे दो 10 20। ये क्या बॉर्डर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ
और ये हो गया 10। मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। यहाँ आते हैं ये इसलिए हो रहा है कि मैं पाकिस्तान नंबर आप सही है। अब इसको कोई फर्क पड़ रहा है? अच्छा, वैल्यू की डाउन होने से ही फर्क पड़ेगा, अब वो नहीं चलेगा। अच्छा, इसको हाइट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा, बहुत ज्यादा हाइट देनी पड़ रही है, ये पता नहीं कैसे। हाँ, ये भी नहीं थी। बॉर्डर वन पे ज्यादा है। ठीक है भाई, पूरी फुली कस्टमाइज्ड हो गई हमारे पास ये इमेज। अब आप इसको अपनी तरफ से फुली कस्टमाइज उसमें करके, और ये भी कर सकते हैं एक और बटन बना दो, जैसे ये सेट करो यही इमेज आगे सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ से आप फुली कस्टमाइज इमेज अपनी तरफ से बना सकते हो, और ये भी काम कर सकते हो एक और चीज, यहाँ सर्कल बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी अन्नी नहीं मचानी हमने, इतना काफ़ी है। ये हमारे पास है सेट एट्रीब्यूट, और ये क्या है? गेट एट्रीब्यूट। तो सेट, ये तो आप दोनों को पता था, आज जो बेसिक मैंने पढ़ाया वो गेट और सेट करना है एट्रीब्यूट को। अब ये इसी के लिए नहीं है, आप कोई भी एट्रीब्यूट और कोई भी, बोलो ना, कोई भी एट्रीब्यूट गेट भी कर सकते हो, कोई भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। मतलब किसी को कोई क्लास दे सकते हो, किसी की कोई क्लास हटा सकते हो। ठीक है भाई, बात समझ आई? मतलब यहां पर अगर कोई क्लास दी हुई है, आप एक क्लिक करने पे उस पर ये क्लास लगे और ये वाली लग जाए, ये क्लिक करूं तो ये लगे, वो क्लिक करूं तो वो लगे। मतलब दो क्लासेस बना दो, एक ब्लैक और एक व्हाइट, क्लिक करो ब्लैक लगे और वो वाला क्लिक करो तो ये लगे। क्लासेस आप चेंज कर सकते हो। बात समझ आ गई? क्लियर है? आगे जाके इंशाल्लाह हम टॉगल बटन भी देखेंगे किस तरीके से बनता है। अभी आपने गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी टाइप की कोई भी छोटी मोटी, जैसा आपका दिल करे तो वैसे आप क्या कर लेना। क्या बहुत कम हो गए? सही हो गई, हाइट ये है और विड्थ इतनी है, तो इस हिसाब से आप जो भी चीज सेट करना चाहो इसकी सेट कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग असाइनमेंट नहीं करेंगे, अगर जो नहीं करना चाह रहे।